शिवपुरी में सेठ सुवालाल का बाड़ा, कपड़ा व्यापारी आयुष गोयल की शहर में व्यापारी धर्मेंद्र गोयल, राधेश्याम गोयल, हनी गोयल ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ आकर रविवार देर शाम मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सबसे पहले सीसीटीवी में देखा गया कि आयुष गोयल के घर पर हथियारबंद बदमाश घुसते हैं और उसको पकड़कर बाहर लेकर आते हैं और उसकी मारपीट कर देते हैं। मारपीट की जानकारी आयुष के भाई को लगती है तो वह आता है और उसको अपनी कार में बिठाकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं। इतने में सभी लोग कार पर हमला बोल देते हैं जिससे कार क्षतिग्रस्त हो जाती है और जैसे जैसे वाहन के बदमाशों के चंगुल में भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं पूरी मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। करें, क्या नाम भैया आपका? आयुष गोयल। क्या समस्या लेके आप इतनी रात को कोतवाली थाना पर लगाए? कल रात में मेरी प्रॉपर्टी पर ही मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे 3 से 4 लोग बैठे हुए थे जो शराब पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। मैंने उनको दारू पीने से और गाली गलौज करने से मना किया, उनने मेरे संग में हाथापाई कर दी। चूँकि मैं वहाँ से थोड़ा निकल गया, उसके बाद वहाँ से 20 से 15 जने मेरे घर में आके लट्टों के साथ मेरी मारपीट कर दी और मुझे बहुत ज़्यादा मारा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरी गाड़ी के कांच फूट दिए पूरे। क्या कोई पुराना विवाद है आप लोगों का उनसे, जो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरा कोई पुराना विवाद ऐसा नहीं है उनसे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है? बिल्कुल कैद है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पूरी सीसीटीवी कैमरे में पूरी कैद है और उनने मेरी गाड़ी फोड़ी है, जो मेरे को मारा है, और बेसबॉल के जो डंडे थे सब उसमें कैद है। और आज भी मैंने कल FIR कटवा दिया था उस पर और फिर आज उसके लिए धमकाने में दुकान पे आए 20 से 25। हाँ, मेरे यहाँ पर चोटें आई हैं, मेरे हाथ में चोट है, मेरे लेग बैक में चोट है, मेरे लेग्स में चोट है, हर जगह मेरी चोटें आई हैं। आपके पास आप कोतवाली आए हो, क्या हुक्म दिया है? उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे, जल्दी कार्रवाई करेंगे। आज भी मेरे पास दुकान पे मेरे पास आदमी आए थे और मैं धमका गए 20 से 25 जने बेसबॉल के डंडे लेके, जिसकी फुटेज मेरे पास है। अभी इसमें सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी लोग कुछ हैं, तो क्या कोई जान पहचान वाली है, कुछ नाम वगैरह सामने आए या कितने लोग हैं टोटल? 20 से 25 लोग हैं, इसमें से 4 शुभम गोयल और धर्मेंद्र गोयल और एक सन्नी गोयल और एक टिंकल गोयल, 3-4 नामों को मैं जानता हूँ। इन पर ये क्या कुछ मतलब हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी केवल एक FIR कर ली। सर, अभी एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यापारी को मारपीट की गई है करीब 8 से 10 लोगों के द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला है सर? ये मामला रात का है, कल रात में झगड़ा हुआ था और दोनों ही पक्ष व्यापारी हैं, आपस में इनका कुछ विवाद हुआ, कल रात में इनका विवाद हुआ था, उसके बाद आज फिर सुनने में आया कि उनका और विवाद हुआ है आपस में, तो उसमें हमें जो CCTV फुटेज मिले उसमें हम जिन लोगों के नाम है उनके नाम बढ़ाकर हम कर देते हैं। सर, CCTV फुटेज में ये भी देखा गया है कि घर पे जाके मारपीट की गई है और हथियार वगैरह जो डंडे वगैरह की सहायता से भी मारपीट करके और वाहन को भी उनके क्षतिग्रस्त कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ, वो CCTV फुटेज में दिख रहा है कि वाहन को क्षतिग्रस्त किया है और डंडे लेके भी गए हैं, घर में भी घुसे हैं। हम जो उनके द्वारा कृत्य किया गया वो धाराओं को बढ़ाकर धाराओं का इजाफा करके उनकी कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों में इन लोगों के द्वारा जैसे ये कार्रवाई जो मारने का जो काम किया गया है, तो अभी क्या वो फरार चल रहे हैं या फिर उन पर क्या किस प्रकार की क्या कार्रवाई है? किसी ने पकड़ा नहीं है, CCTV फुटेज प्राप्त हुए हैं। इन लोगों का आपस में क्या है, ये सब रात में दारू वारू पी के इनका झगड़ा हुआ है और वो झगड़ा और ना बढ़ जाए उसके लिए हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।